नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अश्विनी सुरोही। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति पर आयोजित राज्यपालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में पीएम मोदी के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये शिक्षा नीति सरकार की शिक्षा नीति नहीं है, ये देश की शिक्षा नीति है। जैसे विदेश नीति देश की नीति होती है, रक्षा नीति देश की नीति होती है, वैसे ही शिक्षा नीति भी देश की ही नीति है। पीएम मोदी ने कहा कि शिक्षा नीति में सरकार का दखल कम होना चाहिए, देश के लक्ष्यों को शिक्षा नीति और व्यवस्था के जरिए ही पूरा किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति बहुत ही प्रासंगिक है और इस पर बहुत मंथन किया गया है, लाखों लोगों ने सुझाव दिए हैं। नई शिक्षा नीति पढ़ने के बजाय सीखने पर फोकस करती है और पाठ्यक्रम से और आगे बढ़कर गहन सोच पर जोर देती है। इस पॉलिसी में प्रक्रिया से ज्यादा जुनून, व्यवहारिकता और प्रदर्शन पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सही मायने में बिना दबाव के, बिना अभाव के और बिना प्रभाव के सीखने के लोकतांत्रिक मूल्यों को हमारी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाया गया है। लंबे समय से ये बातें उठती रही हैं कि हमारे बच्चे बैग और बोर्ड एग्जाम के बोझ तले, परिवार और समाज के दबाव तले दबे जा रहे हैं। इस पॉलिसी में इस समस्या को प्रभावी तरीके से एड्रेस किया गया है। बता दें कि इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि नई शिक्षा नीति में इस बात पर बल दिया गया है कि हम सबको भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित आधुनिक शिक्षा प्रणाली विकसित करनी है। साथ ही यह भी प्रयास करना है कि सभी को उच्च गुणवत्ता से युक्त शिक्षा प्राप्त हो तथा एक जीवंत व समता मूलक नॉलेज सोसाइटी का निर्माण हो। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए मरुधर बुलेटिन के साथ। नमस्कार।